हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको देखना है। अभी 12:30 बज रहे हैं, 12:30 बजे बैठ के भी मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि अगर आपका पेपर कल भी है तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली, क्योंकि इसमें से एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और हर एक सेट में पूछा जाएगा। टोटल 35 अपॉइंटमेंट यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, करने को तो वैसे 100 से ज़्यादा अपॉइंटमेंट्स हैं जिसके बारे में आपको बताना चाहिए। ये 35 वो अपॉइंटमेंट्स हैं जिसमें श्योर श्योर क्वेश्चन बनेगा बनेगा। ठीक है, 35 में से कम 15 तो ऐसे क्वेश्चन होने वाले हैं इनमें से जो किसी ना किसी सेट में आएंगे। तो हो सकता है कि एक ना एक क्वेश्चन आपके सेट में इसमें से जरूर मिले। और अपॉइंटमेंट्स वाला टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे लो, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन आता ही आता है, अगर उसमें जनरल अवेयरनेस पूछा जा रहा है और करंट अफेयर पूछा जा रहा है। जब एसएससी में 3-4 ही क्वेश्चन आते थे करंट अफेयर के, तब भी अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन आता था, और अब तो 10-12 क्वेश्चन आ रहे हैं करंट अफेयर के, तो अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन डेफिनेटली आपको आना ही आना है। ठीक है, टोटल 35 सिलेक्ट करें हैं मैंने, वैसे तो 100 से ज्यादा है, 35 सबसे अच्छे सिलेक्ट करें हैं जिसमें से श्योर श्योर क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से वीडियो को देखना है और ये सारी आपको पता होनी चाहिए। अगर आपने पहले से भी अपॉइंटमेंट पढ़ रखे हैं तो एक तरह से रिवीजन आपकी यहां पे हो जाएगी, तो रिवीजन भी करनी है और ये देखना ही देखना है अपॉइंटमेंट्स वाला, ये बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो शुरू करने से पहले ये बता देता हूँ कि कौन कौन सी वीडियो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। ठीक है, 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट वुमेन के बारे में बताया था जो फर्स्ट इन इंडिया रही हैं। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एसएससी में। ठीक है, 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट सीईओज भी बताए हैं। ठीक है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके सीईओज कौन है प्रेजेंट के, उसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और इंडिया के जो इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म्स हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि फोक डांस वगैरह हर बार पूछता है एसएससी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। ठीक है, और अपॉइंटमेंट्स वाला टॉपिक इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो अब हम डिस्कस करने वाले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, तो इस वीडियो को पूरा देखना आप। ठीक है, और जब भी आप पेपर दे गया हो, अगर इनमें से क्वेश्चन आपको मिलता है तो कमेंट बॉक्स में हमें को कमेंट करके बताना है कि सर हाँ इसमें से क्वेश्चन आया था। अगर नहीं भी आया तो भी आप कमेंट करके लिख सकते हो कि कोई क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन अगर आया है तो जरूर बताना, क्योंकि मैं सारे कमेंट पढ़ने वाला हूँ इस वीडियो के, क्योंकि इसमें से डेफिनेटली क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? अभी अभी इलेक्शन हुए थे लोकसभा के। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कौन थे इस टाइम पे? टोटल 3 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं हमारे पे, 2 नॉर्मल इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? तो इसका आंसर है सुनील अरोड़ा, सुनील अरोड़ा। ठीक है, कौन से इलेक्शन कमिश्नर थे, कौन से नंबर के इलेक्शन कमिश्नर थे हमारे चीफ? ये थे हमारे 23rd नंबर के, 23rd चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे हमारे? सुनील अरोड़ा। इस पे डेफिनेटली एक ना एक क्वेश्चन आएगा, किसी ना किसी सेट में जरूर आएगा। ठीक है, स्टार्टिंग के तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ लीजिए फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर कौन था, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है। अभी मान लो एक सेट में ये पूछ लिया प्रेजेंट के कौन है, एक अगले सेट में ये पूछ लेंगे फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, तो इसका आंसर होगा सुकुमार सेन। ठीक है, सुकुमार सेन। अगला क्वेश्चन हमारे पास, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेजेंट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो इसका आंसर है रंजन गोगोई, रंजन गोगोई। कौन से नंबर के हैं? 46th नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये हैं। ठीक है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं थोड़ी सी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर है हमारे सुनील अरोड़ा। ठीक है, 23rd नंबर के, नंबर भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? सुकुमार सेन थे। और अगर हम बात करें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है हमारे रंजन गोगोई। ठीक है, 46th नंबर के चीफ जस्टिस हैं ये हमारे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है? ठीक है, अभी ये 4 जून के पेपर में क्वेश्चन आया था, इसका आंसर है विनोद कुमार यादव। ठीक है, वीके यादव भी आ सकता है, विनोद कुमार यादव रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है। ठीक है, नीति आयोग के सीईओ कौन है? ठीक है, नीति आयोग के सीईओ है अमिताभ कांत, अमिताभ कांत। ठीक है, और नीति आयोग के चेयरमैन कौन है अगर मैं आपसे पूछ लूं? ठीक है, आपको एक चीज पता होनी चाहिए, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं वही नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं, तो इसका आंसर होगा नरेंद्र मोदी। क्लियर? ठीक है, तीनों चीज पढ़ लेते हैं एक बार, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन? विनोद कुमार यादव। नीति आयोग के सीईओ कौन? अभी अमिताभ कांत। और नीति आयोग के चेयरमैन कौन? नरेंद्र मोदी। ठीक है, एक बार वीडियो को पॉज करो, ठीक है, इन्हें एक बार रिवाइज कर लो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मैं रिवीजन कराता हूं आपकी दोबारा से, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन? ठीक है, विनोद कुमार यादव या फिर वीके यादव आपके एग्जाम में आ सकता है। नीति आयोग के सीईओ कौन? नीति आयोग के सीईओ थे अमिताभ कांत। और नीति आयोग के चेयरमैन कौन? जो कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, लोकपाल के हेड कौन है? 100% इसके ऊपर एक ना एक सेट में क्वेश्चन आने वाला है, लोकपाल के हेड कौन है? ठीक है, अभी अभी लोकपाल के हेड चुने गए थे, शायद 19 मार्च को ही चुने गए थे, तो डेट भी इंपॉर्टेंट है, 19 मार्च को लोकपाल के फर्स्ट हेड चुने गए हैं, और ये है पीसी घोष, पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है, 100% याद कर लो, क्वेश्चन आएगा इस पे जरूर। चेयरमैन ऑफ 14th फाइनेंस कमीशन, 14th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है? ये है वाईवी रेड्डी। और ये कब तक है? 2020 तक है, 2020 तक ये रहेंगे। इसके बाद 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन का भी नाम आ चुका है, 15th फाइनेंस कमीशन का अगर चेयरमैन आपसे पूछा जाए तो इसका आंसर होगा एन के सिंह, एन के सिंह।
ठीक है, लोकपाल हेड पीसी घोष, चेयरमैन ऑफ 14th फाइनेंस कमीशन वाईवी रेड्डी और चेयरमैन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन एनके सिंह। तो आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, अगर यहाँ पे प्रेजेंट फाइनेंस कमीशन के पूछा गया चेयरमैन तो वो होगा वाईवी रेड्डी, और आपसे 15th या 14th पूछा गया तो आपको देखना है कि 14th पूछा गया है 15th, कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि ऑप्शन में दोनों चीजें हो सकती हैं। क्लियर? ठीक है, रिविजन करते हैं। लोकपाल के हेड कौन? पीसी घोष। चेयरमैन ऑफ 14th फाइनेंस कमीशन कौन? ये है हमारे वाईवी रेड्डी। और चेयरमैन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन कौन है? ये है हमारे एनके सिंह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, नेवल स्टाफ के चीफ कौन है? ठीक है, ये है एडमायरल करमवीर सिंह। ठीक है, ये याद होना चाहिए आपको, इससे पहले थे सुनील लांबा। ठीक है, अभी शायद 1 जून से इनका कार्यकाल स्टार्ट हुआ है, नाम पहले ही नियुक्त हो गया था कि 1 जून से ये आ जाएंगे, करमवीर सिंह आ जाएंगे, एडमायरल करमवीर सिंह हमारे चीफ होंगे नेवल स्टाफ के। लेकिन अभी इन्होंने ज्वाइनिंग लिया तो इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, बिल्कुल रिसेंट का है ये। उसके बाद अगर हम बात करें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? ये भी डेफिनेटली क्वेश्चन आने वाला है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? क्यों आने वाला है? क्योंकि इन्हें इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम यूएस में जगह मिली है। ठीक है, और इनका नाम है जनरल विपिन रावत, जनरल विपिन रावत, जनरल विपिन रावत। क्वेश्चन नंबर 11, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, एयर स्टाफ के चीफ कौन है? एयर स्टाफ के चीफ है एयर चीफ मार्शल वीएस धनोए, एयर चीफ मार्शल वीएस धनोए। ठीक है, याद रह जाएंगे ये तीनों नाम, अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, हो सकता है चीफ ऑफ एयर स्टाफ ना पूछा जाए, लेकिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो 100% पूछा जाएगा, और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़े, रिवीजन कर लेते हैं एक बार। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है? ये है करमवीर सिंह, एडमायरल करमवीर सिंह। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? ये है जनरल विपिन रावत। और चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है? एयर चीफ मार्शल वीएस धनोए। अगला क्वेश्चन हमारे पास, आरबीआई के गवर्नर कौन है? प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई ये है शक्तिकांत दास। ठीक है, आपको ये तो पता होना ही चाहिए कि शक्तिकांत दास है, साथ साथ आपको ये इनका कर्म भी पता होना चाहिए, कौन से नंबर के हैं ये? 25th नंबर के हैं। ठीक है, इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले थे उर्जित पटेल। अगर फर्स्ट आरबीआई गवर्नर आपसे पूछ लिया जाए तो आप आंसर क्या करोगे? जहां तक मुझे यकीन है आपको पता होगा, अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो वहां पे ये सारी चीजें कराई जाती हैं कि फर्स्ट आरबीआई गवर्नर कौन है। फर्स्ट आरबीआई गवर्नर थे सर ओसबोर्न सेथ, और अगर हम बात करें फर्स्ट इंडियन आरबीआई गवर्नर की, वो थे हमारे डीसी देशमुख। क्लियर? ठीक है, अगर मैं आपसे पूछ लूं आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां पे है, तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, और आरबीआई एस्टेब्लिश कब हुआ था? ये एस्टेब्लिश हुआ था 1935 में। ठीक है, कुछ भी पूछा जा सकता है, तो ये सारी चीजें आपको आरबीआई के बारे में पता होनी चाहिए। अगला, ये रिविजन है हमारी, आरबीआई गवर्नर कौन? शक्तिकांत दास, कौन से नंबर के? 25th नंबर के। फर्स्ट आरबीआई गवर्नर कौन थे? सर ओसबोर्न। अगर हम बात करें फर्स्ट इंडियन आरबीआई गवर्नर के, वो थे डीसी देशमुख, और अगर हम बात करें कब स्टेब्लिश हुआ था, 1935 में स्टेब्लिश हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है के वेणुगोपाल। ठीक है, के वेणुगोपाल कौन से नंबर के हैं? 76th नंबर के हैं। क्रम भी याद होना चाहिए, क्रम भी पूछ लेते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें सॉलिसिटर जनरल, अगर आप एसएससी का पेपर दे दो तो सॉलिसिटर जनरल आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि एसएससी पे इतना लंबा केस चल रहा था, उसमें गवर्नमेंट की तरफ से सॉलिसिटर जनरल थे, जो कि थे हमारे तुषार मेहता सर। ठीक है, तो सॉलिसिटर जनरल कौन है? तुषार मेहता सर। और सीएजी की अगर हम बात करें, सीएजी है हमारे राजीव महर्षि, राजीव महर्षि, राजीव महर्षि। ठीक है, एक बार रिविजन करो, पॉज करो, एक बार तीनों नाम पढ़ लो, उसके बाद दोबारा स्टार्ट करते हैं, रिविजन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो रिविजन करते हैं फिर से थोड़ी। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? ये है के वेणुगोपाल, कौन से नंबर के हैं? 76th नंबर के हैं। उसके बाद सॉलिसिटर जनरल की अगर हम बात करें, वो है तुषार मेहता, और सीएजी की बात करें तो ये है हमारे राजीव महर्षि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 15 हो चुके हैं, अभी 20 और बाकी हैं, तो बने रहिए, बिल्कुल एक एक जो हम चीज़ें सीख रहे हैं यहाँ पे सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, तो पीडीएफ आप वहाँ से भी ले सकते हो और रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, वीडियो देख लो, उसके बाद पीडीएफ से रिवाइज करते रहना, एग्जाम से पहले एक बार देख के चले जाना, तो क्वेश्चन आप गलती नहीं करोगे, सारी चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर कौन है? चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है प्रेजेंट के हमारे सुधीर भार्गव। उसके बाद करें हम चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है? ये है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। और अगर हम बात करें चीफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? ये है अजीत डोवल। क्लियर, रिवीजन करते हैं। चीफ इलेक्शन, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन है? ये है सुधीर भार्गव। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है? ये है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। और अगर हम बात करें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? ये है अजीत डोवल। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। चेयरमैन ऑफ इसरो, चेयरमैन ऑफ इसरो है हमारे जी सीवन। ठीक है, चेयरमैन ऑफ डीआरडीओ की अगर हम बात करें, चेयरमैन ऑफ डीआरडीओ है जी सतीश रेड्डी।
और जी सितेश रेड्डी है, ये नाम आपको याद रखना, क्योंकि डेफिनेटली इस पे क्वेश्चन आएगा, या तो चेयरमैन ऑफ डीआरडीओ पूछा जाएगा, वरना क्वेश्चन ये आ सकता है कि किसे मिसाइल सिस्टम अवार्ड मिला है। ठीक है, मिसाइल सिस्टम अवार्ड मिला है जी सितेश रेड्डी को, तो ये वाला हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, चेयरमैन ऑफ डीआरडीओ जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, ये जी सतीश रेड्डी, ये दिमाग, ये नाम दिमाग में रख लो, चार ऑप्शन में से अगर कुछ क्वेश्चन आपको याद नहीं रहता है, चार ऑप्शन में जी सतीश रेड्डी भी अगर आपको याद रह जाता है और वो मिल जाता है तो आपको उस पर टिक करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, ये आपको पता होना चाहिए, बेंगलुरु में है। इसरो बना कब था? 1969 में बना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डायरेक्टर ऑफ एनआईए, ठीक है, एनआईए के डायरेक्टर कौन है? ये है वाईसी मोदी। ठीक है, एक पीसी मोदी भी है, वो आपको याद रखना है। पीसी मोदी क्या है? पीसी मोदी भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, डायरेक्टर ऑफ एनआईए है वाईसी मोदी, पीसी मोदी से कंफ्यूज नहीं करना है, आगे बताऊंगा पीसी मोदी कौन है। उसके बाद चेयरमैन ऑफ सेबी की अगर हम बात करें, चेयरमैन ऑफ सेबी है अजय त्यागी, और सेबी की अगर हम बात करें, ये एस्टेब्लिश हुआ था 1992 में और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ठीक ठीक है, डायरेक्टर ऑफ एनआईए अभी हमने बताया, डायरेक्टर ऑफ एनआईए है वाईसी मोदी, और अगर चेयरमैन ऑफ सेबी पूछा गया तो वो होगा आपका अजय त्यागी, एस्टेब्लिश्ड इन 1992, हेडक्वार्टर इज इन मुंबई। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, चेयरमैन ऑफ सीबीडीटी ये है पीसी मोदी। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि वाईसी मोदी और पीसी मोदी में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चेयरमैन ऑफ सीबीडीटी है पीसी मोदी, और अगर हम थोड़ा पीछे चले जाएं तो आप देखोगे डायरेक्टर ऑफ एनआईए कौन है, ये है वाईसी मोदी। चेयरमैन ऑफ सीबीआईसी कौन है? सीबीआईसी है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। ठीक है, पहले सीबीआईसी डिपार्टमेंट था, ई की जगह आई कर दिया। ठीक है, चेयरमैन ऑफ सीबीआईसी कौन है? ये है प्रणब कुमार दास, प्रणब कुमार दास। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चेयरमैन ऑफ आईबी कौन है? ये है राजीव जैन। ठीक है, तीनों नाम आपको पता होने चाहिए। चेयरमैन ऑफ सीबीआईसी इज मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज जीएसटी के आने के बाद एक्साइज की जगह इनडायरेक्ट टैक्सेस कर दिया गया, पहले सीबीईसी डिपार्टमेंट था, अब सीबीआईसी हो गया, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, चेयरमैन ऑफ सीबीआईसी कौन है? ये है प्रणब कुमार दास। चेयरमैन ऑफ सीबीडीटी कौन है? पीसी मोदी। और चेयरमैन ऑफ आईबी कौन है? राजीव जैन। ठीक है, रिविजन करते हैं, चेयरमैन ऑफ सीबीडीटी ये है पीसी मोदी, ठीक है, और चेयरमैन ऑफ सीबीआईसी कौन है? ये है प्रणब कुमार दास, और चेयरमैन ऑफ आईबी है राजीव जैन। आगे बढ़ते हैं, चेयरमैन ऑफ एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कौन? ठीक है, एनएचआरसी होता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसके चेयरमैन कौन है? एच एल दत्तू है। चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, चेयरमैन ऑफ यूपीएससी कौन है? अरविंद सक्सेना है। कहीं ना कहीं हम सभी का सपना होता है कि एसएससी सीजीएल क्रैक करने के बाद यूपीएससी की तैयारी करें। ठीक है, तो चेयरमैन ऑफ यूपीएससी कौन है प्रेजेंट के? वो है अरविंद सक्सेना। उसके बाद चेयरमैन ऑफ सीबीआई की अगर हम बात करें, चेयरमैन ऑफ सीबीआई है ऋषि कुमार शुक्ला। चेयरमैन ऑफ सीबीआई इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सीबीआई अभी कुछ टाइम से न्यूज में चल रहा है। ठीक है, तो चेयरमैन ऑफ सीबीआई पता होना चाहिए आपको कौन है, ऋषि कुमार शुक्ला। रिविजन कर लेते हैं एक बार, चेयरमैन ऑफ एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है एच एल दत्तू, चेयरमैन ऑफ यूपीएससी है आपके अरविंद सक्सेना, और चेयरमैन ऑफ सीबीआई कौन है? ये है ऋषि कुमार शुक्ला। ओके, आगे बढ़ते हैं, आरपीएफ जनरल डायरेक्टर, आरपीएफ के जनरल डायरेक्टर कौन है? आरपीएफ क्या होता है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। आरपीएफ के जनरल डायरेक्टर है अरुण कुमार। ठीक है, आरपीएफ के जनरल डायरेक्टर के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि रेलवे की इस बार काफी ज्यादा वैकेंसीज निकली हैं, तो रेलवे के एग्जाम भी होंगे, अगर आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हो तो वहां पे तो पूछ ही सकते हैं 100%। वैसे भी आपको बताना चाहिए, एसएससी में भी पूछ सकते हैं आरपीएफ के जनरल डायरेक्टर को, डायरेक्टर जनरल कौन है? अरुण कुमार। क्योंकि अभी जो हुआ था पेपर 4 जून को, उसमें रेलवे से ऊपर, रेलवे के ऊपर क्वेश्चन आया था, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, तो आपको पता होना चाहिए आरपीएफ के डायरेक्टर जनरल कौन है? अरुण कुमार। बीएसएफ के जनरल डायरेक्टर जनरल कौन है? बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल है रजनीकांत मिश्रा। बीएसएफ क्या होता है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस। ठीक है, बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल कौन है? रजनीकांत मिश्रा। सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल कौन है? सीआरपीएफ क्या होता है? सेंट्रल रिजर्व प्रोटेक्शन फोर्स। ठीक है, जब आप एसएससी सीपीओ का पेपर देते हो तो वहां पे आपको ज्वाइनिंग मिलती है एज एसआई इन बीएसएफ सीआरपीएफ। ठीक है, ये सारे डिपार्टमेंट्स आप तब ज्वाइन करते हो। तो सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल कौन है फिलहाल? वो है राजीव रे भटनागर। ठीक है, रिविजन कर लेते हैं, आरपीएफ के डायरेक्टर जनरल कौन है? ये है अरुण कुमार। बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल कौन है? ये है रजनीकांत मिश्रा। और सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल कौन है? ये है राजीव रे भटनागर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल कौन है? इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स के डायरेक्टर जनरल कौन है? ये है एसएस देसवाल। उसके बाद अगर हम बात करें एसएसबी डायरेक्टर जनरल कौन है? ये है कुमार राजेश चंद्रा। ठीक है, कुमार राजेश चंद्र। ठीक है, एसएससी क्या होता है? सहस्त्र सीमा बल। एसएससी के एसएसबी के डायरेक्टर जनरल कौन है? कुमार राजेश चंद्रा।
और डायरेक्टर ऑफ बार्क अगर आपसे पूछ लिया जाए, भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, यहाँ पे डबल ए नहीं आएगा, सिंगल ए आएगा। डायरेक्टर ऑफ बार्क कौन है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसके डायरेक्टर हैं अजीत कुमार मोहंती, अजीत कुमार मोहंती। दो चीज़ें आपको और पता होनी चाहिए बार्क के बारे में, ये एस्टेब्लिश हुआ था 1994 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 35वें पे पहुंच गए हैं, टोटल हमने सारी अपॉइंटमेंट देख ली है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अपॉइंटमेंट्स और भी हैं, जैसे कि LIC के चेयरमैन कौन है, SBI के चेयरमैन कौन है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मुझे लगे 35, वो मैंने आपको यहाँ पे कवर करा दिए हैं। अपॉइंटमेंट्स और भी हैं लेकिन हम सारी चीज़ें एकदम नहीं कर सकते। अगर आपने करंट अफेयर्स स्टार्टिंग से सारी चीज़ें नहीं पढ़ी हैं तो आप एकदम सारी चीज़ें कवर नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे जरूरी है कि आप जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें पढ़ो। तो यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो सारी कवर कर ली हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिला होगा। इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो और रिवाइज कर सकते हो। इस तरह की और वीडियो आती रहेंगी जो आप जो कि आपको एग्जाम में हेल्प कर सकती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो, और अगर वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी हो तो दोस्तों में शेयर भी कर देना, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।